चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों एएफएमसी यानी आर्मड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र में है इसमें कोई भी स्टूडेंट एमबीबीएस कर सकता है एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद कैप्टन रैंक पर डिफेंस में पोस्टिंग की जाती है एफ ने एम एडमिशन ट्वेंटी के लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है इस बार इसकी कट ऑफ सिक्स हंड्रेड मार्क्स रहने की संभावना है तो आइए जानकारी लेते हैं कि इसमें ट्वेंटी वन के लिए क्या चेंजिंग हुई है और इसमें एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नी ट्वेंटी वन में एम बी बी एस एडमिशन लेना चाहते हैं और काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने बुक लिख दी है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट डब्लू से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसमें टॉप से लोवेस्ट कॉलेज के क्रम में चॉइस फिल कैसे करनी है वो दिखाया गया है डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है काउंसलिंग प्रोसीजर फीस सीट मैट्रिक्स ये सब के बारे में बताया गया है तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बुक डाउनलोड करने के बाद हम आपसे संपर्क कर लेंगे तो आइए लेते हैं ए एफ एम सी के बारे में जानकारी कि इसमें हमें एडमिशन कैसे लेना है तो सबसे पहले हम इसमें कुछ कंडीशंस देख लेते हैं तो इसमें जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले ये है कि इंडियन सिटीजन होनी चाहिए इसमें जो फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके लिए पाँच सीट रिजर्व हैं उन कैंडिडेट्स के लिए इसके अलावा जो 145 सीट्स हैं उनके लिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए इसमें इसके बाद में कैंडिडेट अनमेरिड होना चाहिए कोर्स के दौरान वो मेरिड नहीं कर सकते हैं इसके बाद में जो इसमें आगे एज दिया गया है वो सेवनटीन ईयर्स मिनिमम एज थर्टी दिसंबर दिसम्बर ट्वेंटी को होना चाहिए लेकिन ट्वेंटी फोर ईयर से एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फर्स्ट जनवरी नाइन्टी एट और थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू फोर के बीच में जन्म होना चाहिए इसमें इसके बाद में जो जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट हैं और लद्दाख के कैंडिडेट हैं वो भी इस एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं एएफएमसी में अब बात करते हैं हम अकेडमिक क्वालिफिकेशन की तो इसमें टेन प्लस टू पास होना चाहिए और ये टेन प्लस टू फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास होना चाहिए इंग्लिश फ़िजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में इन चारों सब्जेक्ट के जो एग्रीगेट मार्क्स होंगे वो सिक्सटी परसेंट मार्क्स होंगे शॉरी इन चारों के नहीं तीन सब्जेक्ट के जो साइंस के सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इनके जो मार्क्स होंगे वो सिक्सटी परसेंट एग्रीगेट होंगे यानी कि टोटल इनका सिक्सटी परसेंट मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए और इसमें जो फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में और फिफ्टी परसेंट मार्क्स ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए यानी कि एग्रीगेट मार्क्स सभी का टोटल तो सिक्सटी परसेंट हो तीन सब्जेक्ट का और सभी में पचास परसेंट से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए इंग्लिश में भी पचास परसेंट से कम नहीं होने चाहिए फिजिक्स में भी पचास परसेंट से केमिस्ट्री में भी पचास परसेंट से और बायोलॉजी में भी पचास परसेंट से पचास परसेंट से कम नहीं होना चाहिए और एग्रीगेट तीन सब्जेक्ट का सिक्सटी परसेंट मार्क्स होना चाहिए इसमें इसके बाद में टेन प्लस टू इसका क्वालिफाइंग एग्जाम इसमें और भी दिए हुए हैं कौन कौन से क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हैं तो आप इसमें ये देख सकते हैं इसमें अकेडमिक क्वालिफिकेशन में अभी इसमें एलिजिबल कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिन्होंने प्री यूनिवर्सिटी या फिर प्री डिग्री वन ईयर का कोर्स कर रखा है प्रोफेशनल uh, कोर्स में एग्रीकल्चर वेटनरी डेंटल एग्जाम दे रखी है तो वो इसके लिए इलिजिबल नहीं है इसमें इसके बाद में प्राइवेट कैंडिडेट और ओपन स्कूल कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल नहीं है इसके बाद में अगर किसी ने दूसरे अटेम्प्ट में या फिर कोई कंपार्टमेंट रहा हो तो वो कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल नहीं है अब इसमें टोटल 145 फोर्टी फाइव सीट्स हैं इसमें वन वन फाइव बॉयज़ कैंडिडेट के लिए हैं और थर्टी सीट्स गर्ल्स कैंडिडेट के लिए हैं मैं आपको बता दूँ कि जो इसकी कट ऑफ जाती है वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ज़्यादा जाती है क्योंकि इसमें टोटल थर्टी सीट्स ही हैं अब हम आगे बात करते हैं इसमें जो 145 के अलावा पाँच सीट हैं जो फाइव सीट हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए ये रिजर्व हैं इस्पॉसर की जाती हैं उन कैंडिडेट के लिए जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं और वो एड ओब्लिक कोलोब्रेशन प्रोग्राम के अंडर आते हैं तो उनके लिए ये पांच सीट रिजर्व हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से यानी कि वहाँ से इस्पॉन्सर की जाएंगी रिजर्वेशन की बात करें तो टेन सीट इसमें एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं वन फोर्टी फाइव सीट्स में से अब इसमें हम प्रोसीजर देखते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे लें तो इसमें एडमिशन प्रोसीजर के लिए ऐसा है कि आपको जैसा ही नीट ट्वेंटी वन का रिजल्ट आ जाएगा नीट ट्वेंटी वन का रिजल्ट आने के बाद में एम सी सी द्वारा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको एम की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के समय आपने ए एफ़ एम सी सेलेक्ट करना है फीस सेम ही रहती है आप ऑल इंडिया कोटा में तो रजिस्ट्रेशन करेंगे ही तो आप उस समय ए एफ़ एम सी का भी रजिस्ट्रेशन कर दें तो जैसे ही आप ए एफ़ एम सी का रजिस्ट्रेशन कर दोगे आगे का जो एडमिशन प्रोसेस है वो ए एफ एम सी द्वारा खुद के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा एम का रोल वहाँ ही ख़त्म हो जाता है एम द्वारा ये लिस्ट भेज दी जाती है ए को जितने कैंडिडेट रजिस्टर्ड होते हैं एफ के लिए एफ की लिस्ट जैसे ही मिल जाती है ए को उसके बाद में ए एफ द्वारा एक स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कट ऑफ मार्क्स जारी किए जाते हैं कि इतने कट ऑफ मार्क्स से ऊपर वाले कैंडिडेट स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आ सकते हैं तो 2020 में ये बॉयज़ कैंडिडेट के लिए 619 थे और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 637 थे तो इस बार हम इसको मान रहे हैं बॉयज़ कैंडिडेट के लिए 600 मान रहे हैं और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 620 मान रहे हैं कि इतने कट ऑफ पर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा एएफएमसी के द्वारा अब हम इसमें देखते हैं आगे जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता था स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा तो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट में वहाँ एक एग्ज़ाम एक होगा वो एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होगा यानी कि उसमें 40 एम आएंगे टू मार्क्स का एक, एक क्यूसन होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग पॉइंट फाइव रहेगी इन करेक्ट आंसर के लिए तो इस प्रकार से आपका 80 मार्क्स का ये एग्जाम लिया जाएगा रिटर्न एग्जाम पहले डॉक्यूमेंट्स इनशीली तौर पर डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली चेक होंगे उसके बाद ये एग्ज़ाम लिया जाएगा तो ये एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होगा अभी आपका जो नीट का स्कोर है वो 720 ट्वेंटी मार्क्स का है तो ये मैक्सिमम मार्क्स इसमें 80 जोड़ दिए जाएंगे तो मैक्सिमम मार्क्स आपका 800 का हो जाएगा अब इसको फोर से डिवाइड कर लिया जाएगा तो मैक्सिमम मार्क्स आपके आ जाएंगे टू अब आपके जो ओपटेन मार्क्स हैं नीट 720 में से जितनी मार्क्स आपने गेन किए हैं उसमें से जो इस एग्जाम में आप गेन कर रहे हैं 80 मार्क्स में से उन दोनों का टोटल करके फिर उसको फोर से डिवाइड कर दिया जाएगा तो आपके ओपटेन मार्क्स आ जाएंगे अब इस ओपटेन मार्क्स में इंटरव्यू के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे वहाँ आपका इंटरव्यू होगा फिफ्टी मार्क्स का ये इंटरव्यू होगा तो ये फिफ्टी मार्क्स उस स्कोर में जोड़ दिए जाएंगे जो आपका नीट का प्लस उस एग्जाम का स्कोर है तो इसके बाद में मेरिट निकाली जाएगी और उस मेरिट में सिलेक्शन होता है तब आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं इसमें एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है वो सिर्फ़ क्वालीफाइंग के लिए होता है वो उसके मार्क्स हैं वो मेरिट में ऐड नहीं होते हैं तो इस प्रकार से इसमें चार पाँच दिन का समय लगता है एफएमसी पुणे में आपको जाना पड़ेगा वहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा और साथ ही साथ वो आपको रिजल्ट बता देते हैं ये जो होती है कार्रवाई ये एम के फर्स्ट राउंड तक कंप्लीट हो जाती है यानी कि रिजल्ट आने से पहले पहले ये कार्रवाई पूरी हो जाती है ताकि अगर आपका ए में नहीं हो सके तो आप एडमिशन ले सकते हैं बाकी ऑल इंडिया कोटा में या अपने स्टेट में तो ये है इसका प्रोसीजर एडमिशन लेने का अब मैं आपको बताऊं कि जो इस बार चेंज हुआ है वो यह है कि इसमें बॉन्ड 61 लाख 61 लाख ,00 का बॉन्ड कर दिया गया है पहले ये 30 लाख ,00 का हुआ करता था तो ये 61 लाख ,00 उस स्टूडेंट को पे करने होंगे जो एडमिशन लेने के जो कट ऑफ डेट है उसके सेवन डेज़ के बाद में अगर इसको छोड़ता है सीट को विड्रोल करता है सेवन uh, डेज़ के uh, बाद में तो उसको ये बॉन्ड की जो अमाउंट है बॉन्ड का अमाउंट है सिक्सटी वन थाउजेंड वो उसको पे करना होगा तो इस प्रकार से इसमें एडमिशन की कंडीशन है इसमें इसके बाद आप इसका इंफॉर्मेशन ब्राउजर डाउनलोड कर लें इसमें फिजिकल फिटनेस के लिए भी कंडीशन दी गई हैं पे स्केल दिया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपका आ, क्या वेट होना चाहिए क्या हाइट होनी चाहिए वो सारा एज के अनुसार इस में एक टेबल दी गई है उस टेबल के अनुसार आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन है ये तो ये जानकारी थी एफ के एडमिशन के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है फिर भी आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जय हिंद